हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ज्योति वर्मा। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद टीचिंग ऑफ सोशल साइंस, यानी कि जो हम सब्जेक्ट अपना स्टार्ट कर चुके हैं टीचिंग ऑफ सोशल साइंस का, इसके अंदर हम 4 से 5 वीडियोस पहले भी देख चुके हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसके अंदर है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ एंड नेशनल एम्स। तो जो हमारे जनतंत्रीय मूल हैं या फिर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है, इसके बारे में हम आज इसके अंदर जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेसिकली जो वैल्यूज़ होती हैं, मूल्य होते हैं, वो क्या होते हैं। तो इसके अंदर मूल्यों का जो अर्थ है वो क्या है, मीनिंग ऑफ वैल्यूज़। हिंदी का मूल्य शब्द अंग्रेजी भाषा के वैल्यू शब्द का पर्याय है। मतलब जो वैल्यू शब्द है वो उसका हिंदी मीनिंग क्या है, मूल्य, और उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वैल्यू। अंग्रेजी भाषा के वैल्यू की व्युत्पत्ति लैटिन, जो लैटिन भाषा है हमारी, लैटिन भाषा के वैलियर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है योग्यता यानी कि एबिलिटी, और उपयोगिता यानी कि यूटिलिटी। तो इस शब्द का क्या मीनिंग है, एबिलिटी और यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता और योग्यता, व महत्व यानी कि इम्पोर्टेंस। मतलब एबिलिटी, वैलिडिटी, यूटिलिटी और आपकी इम्पोर्टेंस, तो ये आपके 3 वर्ड्स हैं इसके अंदर। आगे देखेंगे हम इसके अंदर, व्युत्पत्ति के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि व्यक्ति या वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसका उपयोग या महत्व जाना जाता है, मूल्य कहलाता है। मतलब अगर हम किसी भी चीज़ का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु के जो उसके गुण होते हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, उसके कारण अगर हम उसके उपयोग और महत्व को जानते हैं, तो ये उसका क्या कहलाता है, ये उसका मूल्य कहलाता है। आगे हम देखेंगे इसके अंदर मूल्य शिक्षा का अर्थ, यानी कि मीनिंग ऑफ वैल्यू एजुकेशन। तो बेसिकली जो मूल्य शिक्षा है, वैल्यू ऑफ, जो मीनिंग ऑफ वैल्यू एजुकेशन है वो क्या है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास है। जैसा कि हम हर सब्जेक्ट में हर बार पढ़ते आ रहे हैं कि जो भी शिक्षा है उसका मेन उद्देश्य, मेन मोटिव, मेन ऑब्जेक्टिव या एम क्या होता है, सर्वांगीण विकास करना। किसका, बालक का या व्यक्ति का, उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट करना, अर्थात उसके जीवन के सभी पक्षों, जैसा कि सारे पक्ष हमारे क्या क्या हो सकते हैं, शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, संवेगिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, नैतिक पक्ष, आध्यात्मिक पक्ष, व्यवसायिक पक्ष। तो ये सारे जो पक्ष होते हैं ये ऑल ओवर डेवलपमेंट के अंदर आते हैं, इन सब का विकास करना होता है। आगे है, इसलिए शिक्षा के विभिन्न रूप, मतलब जो शिक्षा के अलग अलग तरीके से उसके रूप होते हैं एवं पक्ष होते हैं, मतलब अलग अलग तरीके के रूप होते हैं शिक्षा के और पक्ष भी होते हैं। शिक्षा का वह रूप जो व्यक्ति के नैतिक व आध्यात्मिक पक्ष, यानी कि जो आपका एक तरीके से मोरल और एक तरीके से स्पिरिचुअल, दोनों तरीके से हम देखें तो उस पक्ष पर क्या करता है, उस पक्ष एवं जीवन संबंधी मूल्यों के विकास के लिए प्रयास करता है तथा उसमें योगदान देता है, मूल्य शिक्षा कहलाता है। तो जो हमारी मोरालिटी है, बेसिकली हमारा जो मोरल डेवलपमेंट है, उससे हमारा मूल्य जो है, वैल्यू जो है, वो जुड़ी हुई है, यानी कि ये हमारा क्या कहलाता है, मूल्य शिक्षा कहलाता है। आगे हम देखेंगे इसके अंदर मूल्य शिक्षा की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो मूल्य शिक्षा की आवश्यकता, यानी कि सिग्निफिकेंस वैल्यू ऑफ एजुकेशन, तो इसके अंदर क्या है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, यानी कि आफ्टर, जब हमने फ्रीडम पाई उसके बाद क्या है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के असाधारण प्रगति हुई। देश में क्या हुई, असाधारण प्रगति हुई। आज हम अत्यंत गर्व से यह कह सकते हैं, या गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि हमारे देश में विज्ञान प्रौद्योगिकी, मतलब जो साइंस है और टेक्नोलॉजी है, कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, उद्योग यानी कि हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, संचार यानी कि कम्युनिकेशन, या फिर हम संचार के साधन का जो भी यूज़ करते हैं, यातायात यानी कि ट्रांसपोर्ट्स, और चिकित्सा यानी कि जो ये हमारा डॉक्टरी लाइन है, टोटली की डॉक्टर्स का प्रोफेशन है मेडिकल लेवल पे, आदि क्षेत्रों में क्या हुआ है, अनेकानेक उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं, मतलब बहुत सारी उपलब्धियाँ प्राप्त हुई हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, मतलब एजुकेशन में भी हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। अपने देश के स्कूलों ने, जो हमारे देश के स्कूल हैं और कॉलेजेस हैं और विश्वविद्यालय यानी कि स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की शिक्षा ने व्युत्तम तरीकों से विद्वान, लेखक, कवि, साहित्यकार, इंजीनियर, तकनीक, जो टेक्नीशियन होते हैं, वैज्ञानिक, डॉक्टर और उच्च कोटि के प्रबंध कर्मियों
को तैयार किया है, मतलब ये सारे प्रोफेशंस हमारी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस के द्वारा इनको दिए जाते हैं कोर्सेज, जिससे ये प्रोफेशन यानी कि इस प्रोफेशन में जाते हैं। तो जिसकी तुलना विश्व के श्रेष्ठतम मतलब अपर लेवल के श्रेष्ठ लेवल के विश्वविद्यालयों यानी कि यूनिवर्सिटीज़ से तैयार हुए हैं। मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सिटीज़ ये सारे कोर्स हमें प्रोवाइड कराती है, और इसके बाद क्या होता है, विश्वविद्यालयों से तैयार हुए अच्छे विद्वानों से की जा सकती है, लेकिन अपने आदर्शों को भूल रहे हैं। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, इतनी सारी शिक्षाएं हासिल करने के बाद भी अपने आदर्शों को भूल रहे हैं। तो इन चीज़ों की हमें आवश्यकता है कि हमें ये सारी चीज़ें इन सारे प्रोफेशंस में जाने के बाद भी हमें अपने आदर्शों को अपने मूल्यों को नहीं भूलना चाहिए। तो आगे हम देखेंगे मूल्यों के लक्षण यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज़, हम लक्षण बोल लें या फिर उसके गुण बोल लें। तो ये क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो फर्स्ट है हमारा मूल्य जीवन के अंश हैं, मतलब ये जीवन का क्या है, अंश है। सेकंड है हमारा मूल्य निरंतर अनुभवों से संबंधित रहते हैं, मतलब जो हमारे निरंतर हमेशा लगातार चलने वाले जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो भी अनुभव होते हैं, उससे संबंध रखते हैं, मतलब रिलेट करते हैं उससे। थर्ड है हमारा इसके अंदर मूल्य का गुणात्मक और परिणात्मक आकलन संभव है, मतलब गुण के हिसाब से भी और परिणाम के हिसाब से भी इसका आकलन असेसमेंट करना संभव है। आगे हम देखेंगे फोर्थ हमारा इसके अंदर क्या है, मूल्य में भावात्मक तत्व के साथ ज्ञानात्मक तत्व भी निहित है, मतलब इसके अंदर भावात्मक के साथ ज्ञानात्मक क्या मतलब आपका नॉलेज भी इसके अंदर निहित है। और फिफ्थ हमारा इसके अंदर वस्तुओं के महत्व की जांच के लिए, मतलब कोई भी वस्तु है उसके महत्व की, उसके इम्पोर्टेंस की जांच के लिए, इंक्वायरी के लिए मूल्यों को स्पष्ट मानदंड के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो ये टोटली हमारे 5 इसके पॉइंट्स थे, जो हमारे थे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे हम देखेंगे इसके अंदर मूल्यों के विकास के परिवार, मूल्यों के विकास में जो हमारा परिवार है, हमारी फैमिली है, उसकी क्या भूमिका होती है, मतलब रोल ऑफ अ फैमिली इन डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ हमें कैसे मिलती हैं, हमारे परिवार से कैसे मिलती हैं, ये देखेंगे हम। परिवार का अर्थ उस सामाजिक समूह से है, मतलब जो परिवार है उसका अर्थ क्या है, उस सामाजिक समूह, मतलब एक तरीके से सोशल लेवल पे एक ग्रुप है। तो ये जो परिवार होते हैं ये एक समाज बनाते हैं, परिवार से ही मिलकर एक समाज बनता है, कई तरीके के लोग आके रहते हैं उससे ही समाज बनता है, और समाज के बाद क्या बनता है, कोई गाँव या शहर पूरा बसता है। तो उसके बाद बेसिकली क्या है, परिवार का अर्थ उस सामाजिक समूह से है जिसमें माता पिता और उनके बच्चे संगठित रूप से एक स्थान पर रहते हैं। भारत में ऐसे अनेक परिवार हैं जहां माता पिता और बच्चे या फिर उनके अतिरिक्त अन्य परिवार भी रहते हैं, जैसा कि होता है कि पेरेंट्स के अलावा भी ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह रहते हैं। यह परिवार मिलकर एक सामाजिक इकाई का निर्माण करते हैं। बालक की शिक्षा में परिवार का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा का आरंभ परिवार, मतलब शिक्षा जो है उसका आरंभ परिवार से होता है, मतलब शिक्षा हमें सबसे पहले हमारा परिवार ही प्रोवाइड कराता है। माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों की आदतों, कार्यों, व्यवहारों, आदर्शों व मूल्यों का प्रभाव बालक के ऊपर पड़ता है, मतलब जैसा कि आप जिस तरीके का एनवायरनमेंट बच्चे को देंगे उसी तरीके का उसका बिहेवियर और उसकी मेंटालिटी उसी तरीके की बनेगी। परिवार का वातावरण भी बालकों में मूल्य का निर्माण करने में सहायक होता है। आगे हम देखेंगे मूल्यों के विकास में समाज की भूमिका यानी कि रोल ऑफ अ सोसाइटी इन डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज़, जैसा कि अभी हमने फैमिली का देखा, अब हम देखेंगे सोसाइटी का रोल। तो इसके अंदर क्या है, समाज का अर्थ ऐसे जनसमुदाय से है जो भौगोलिक दृष्टि से, मतलब आपके क्षेत्र की, जिस क्षेत्र पर आप रहते हैं, जिस ज्योग्राफिकल एरिया में आप रहते हैं, तो ज्योग्राफिकल लेवल पर अगर हम देखें उससे एक ही क्षेत्र में निवासित समान धर्म, संस्कृति, रुचि, अनुभव और उद्देश्य की प्राप्ति में संलग्न रहता है, मतलब उस स्थान के धर्म, उस स्थान की संस्कृति और रुचि, इंटरेस्ट यानी कि अनुभव, उसके बाद रुचि यानी कि आपका इंटरेस्ट हो गया, अनुभव यानी कि आपका एक्सपीरियंस या वहाँ के उद्देश्य। तो ये बेसिकली क्या होता है कि वो वहाँ से ही रिलेट करते हैं। तो बच्चे का जो एक तरीके से उसका बिहेवियर है वो किस तरीके का होगा, उस भौगोलिक दृष्टि के हिसाब से ही, उस भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से ही होगा। और इस जनसमुदाय का प्रत्येक सदस्य अपने व्यक्तित्व का विकास करते समय क्या करेगा,
सामाजिकता ग्रहण करेगा, मतलब यही सारे मूल्य उन्हें मिलते हैं अपने समाज से। आगे है इसके अंदर, समाज का निर्माण व्यक्ति से होता है। बेसिकली बात है कि ये जो समाज का निर्माण है वो किससे होता है, व्यक्ति से होता है। और व्यक्ति का निर्माण किससे होता है, समाज से होता है, क्योंकि आप समाज में रहेंगे नहीं तो समाज का निर्माण नहीं होगा। और आप समाज में रह रहे हैं और समाज की सारी एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं तो समाज से ही आपका भी निर्माण हो रहा है। इसलिए मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी कहा जाता है, मतलब सामाजिक प्राणी या सोशल एनिमल एक व्यक्ति को कहा जाता है। आगे है, समान के मध्य पाए जाने वाले संबंध, समाज के मध्य पाए जाने वाले संबंध का प्रभाव मानव मूल्यों पर पड़ता है। तो ये बेसिकली क्या है, समाज जो है उसका जो उसके मूल्यों का जो प्रभाव है वो किस पर पड़ता है, वो मानव पर पड़ता है। बालकों के अंदर प्रेम, शांति, सद्भाव, सहयोग, सहानुभूति, त्याग, सामाजिकता, एकता आदि मूल्यों का विकास होता है। एट लास्ट हम देखेंगे इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट, जिसके अंदर है मूल्यों के विकास में विद्यालय की भूमिका। जैसा कि हमने परिवार की भूमिका देखी, समाज की भूमिका देखी, इसी तरीके से हम देखेंगे मूल्यों के विकास में विद्यालय की भूमिका, यानी कि रोल ऑफ स्कूल इन किसमें, जैसा कि इंक्लूसिव ऑफ वैल्यूज। तो इसके अंदर है विद्यालय मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, क्योंकि विद्यालय जो है वो बच्चों को मूल्य सिखाता है, क्योंकि विद्यालय ही एक तरीके से फैमिली और समाज के बाद विद्यालय में ही बच्चे पढ़ने जाते हैं। क्या मूल्य शिक्षा विद्यालयों में एक विषय की तरह दी जाए, मतलब ये उस समय के लोगों ने सोचा कि क्या मूल्य की शिक्षा अलग से दी जानी चाहिए एक विषय के तौर पर। इस विषय पर विद्वानों ने काफ़ी विचार विमर्श किया और वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि मूल्य शिक्षा एक अलग विषय के रूप में ना दी जाकर, मतलब ये नहीं दिया जाना चाहिए, अलग से एक विषय बनाकर नहीं दिया जाना चाहिए बच्चों को, विद्यालय के वातावरण में और उसके संपूर्ण पाठ्यक्रम में यानी कि करिकुलम में और समस्त गतिविधियों में, हर गतिविधि में क्या करना चाहिए, इसके द्वारा ही मूल्य शिक्षा बच्चों को प्रोवाइड करानी है। अलग से कोई विषय नहीं बनाना मूल्य शिक्षा का। शिक्षा आयोग 1964 से 66 के अनुसार विद्यालय वातावरण अध्यापकों का व्यक्तित्व एवं व्यवहार तथा विद्यालय में उपलब्ध भौतिक मूल्योन्मुख बनाने में विशेष भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार मूल्यों के विकास में या विकास के चार आधार हैं। तो इसमें चार आधार कौन कौन से हैं, विद्यालय का वातावरण, पाठशाला संबंधी क्रियाएँ, उसके बाद है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं, मतलब जो पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई क्रियाएं होती हैं, और फोर्थ है हमारा अध्यापकों की भूमिका। तो इन चार तरीकों से बच्चों के मूल्यों का विकास आपके स्कूल के अंदर आपके बच्चों का होता है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने मूल्य देखा, मूल्य क्या होता है, मूल्य का अर्थ देखा, मूल्य की परिभाषा देखी, उसके बाद मूल्य हमारे लिए क्यों आवश्यक हैं, परिवार हमारे मूल्यों को किस तरीके से इम्प्रूव करता है, हमारे अंदर किस तरीके से मूल्य का निर्माण करता है, समाज किस तरीके से करता है और विद्यालय किस तरीके से करता है। तो ये चीज़ें आज हमने सारे टॉपिक्स इस वीडियो के अंदर देखे। आई होप आपको सारी वीडियोस बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, और जिसकी भी जैसे कि परिवार की, विद्यालय की और समाज की भूमिका है वो भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर अदर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच।